कॉलेज एवं पिछले 2 महीनों का लंबित वेतन की मांग को लेकर आईआईसीएम श्रमिक संघ की बैठक अध्यक्ष अजय राय की अध्यक्षता में आईआईसीएम परिसर में संपन्न हुई। आपको बता दें कि बैठक में उपस्थित कर्मियों में इस बात को लेकर काफी रोष था कि ड्यूटी करने के बावजूद उनका 2 महीने का वेतन आईआईसीएम प्रबंधक रोक कर रखे हुए हैं। वहीं दूसरी एजेंसी के एक कर्मी को जबरदस्ती हैबिटेट साइट में रखकर गार्डन साइट का काम लिया जा रहा है। इसको लेकर भी कर्मियों में काफी आक्रोश व्याप्त है। इस अवसर पर कर्मियों ने कॉल वेज स्थायीकरण एवं लंबित वेतन मान को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रमिक संघ के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि पिछले 27 वर्षों से मजदूर कर्मचारी अपनी सेवा इस संस्थान को देते आए हैं। एजेंसी इनकी सुविधा बढ़ाना तो दूर, इनकी सुविधाएं काटी जा रही है, इसका सीधा जिम्मेवार आईआईसीएम प्रबंधन है। उन्होंने कहा कि कोल इंडिया की इकाई होने के नाते वर्षों से कार्यरत इन कर्मियों को स्थायीकरण किया जाना चाहिए, वहीं इन्हें कॉल वेज भी मिलना चाहिए था। देखिए, लगातार हम लोग आईएसीएम के अंदर प्रबंधन को इस बात को लेकर के ज्ञापन वगैरह भी पहले भी दिया जा चुका है, और यह प्रयास है कि जब कोल इंडिया के अंदर हर एक बजट आईएसीएम का पास हो रहा है, हर एक पदाधिकारी कोल इंडिया से यहाँ पर आ रहे हैं, तो उसके बावजूद भी यहाँ के ठेका मजदूरों को कोल वेज क्यों नहीं मिल पा रहा है। इस बात को लेकर के हमारे स्थानीय सांसद संजय सेठ जी ने भी यहाँ पर आकर के वर्करों से बातचीत की थी, और उनके बातों को सुनने के उपरांत उन्होंने आश्वस्त किया था कि पार्लियामेंट के अंदर इनकी बात को हम रखेंगे। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के एक समीक्षा बैठक के रूप में फिर आज हम लोगों ने बैठ करके हर एक बात पर चर्चा की है, और उस पर यह निर्णय लिया है कि इस पूरे मामले को लेकर के जो स्थानीय सांसद जो प्रयास कर रहे हो तो कर ही रहे, लेकिन बावजूद भी आईएसएम श्रमिक संघ की ओर से हम लोग सेंट्रल जो लेबर कमिश्नर है उन तक भी हम अपनी बातों को रखेंगे, साथ में हमारे जो स्टेट के जो लेबर कमिश्नर है उन तक भी हम लोग इस बात को रखेंगे कि यहाँ एक सोसाइटी एक्ट बना करके वर्करों को आईवास क्यों किया जा रहा है, और जो भी इसमें जो दोषी अधिकारी हैं पदाधिकारी हैं, हमारा कोल इंडिया चेयरमैन से और कोल मंत्री से भी यह विनम्र आग्रह होगा कि ऐसे पदाधिकारियों के ऊपर में वो कार्रवाई करें। न्यूज विंग के लिए रांची से संध्या की रिपोर्ट। ग्रीन इज अ स्मॉल प्लेस एंड वी हैव लाइक वेरी लेस फैसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ यू नो एजुकेशन एंड दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridi, those who are leaving the town and going outside for, you know, studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes. So I researched it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn, you know, this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, you know, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.